पूजा जी, आप होंसड़ में 3 दिन रहकर आई हैं, क्या बताएंगे आप इस दुखद हादसे को लेकर, और क्या विश्लेषण किया है आपने, और क्या मांग करेंगी आप गवर्नमेंट से? जी हाँ, मैं वहाँ 3 दिन तक रही, और जो 3 दिन तक जो मैंने ग्राउंड पर रियलिटी देखी वो बहुत ही आप कहें कि डरावनी है, क्योंकि होंसड़ जो है वो अब टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पे अब रहने के लिए कुछ नहीं रहा है। मैं जैसे ही मैं नेटवर्क एरिया में पहुँची, मैंने सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कॉल किया, और अपने जितने भी हालात हैं अपने एरिया के उन तक वो बातें पहुँचाई, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं एक रेजोल्यूशन लिख के LG साहब को भी दूँ और उनको भी भेजूँ, ताकि हम फर्दर जो हैं इसके ऊपर बात कर सकें। जो मेरे मसले जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, सबसे पहले रिहैबिलिटेशन का है। जो होंसड़ है वो इस टाइम पे टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहाँ पे रहना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है उन लोगों के लिए जो वहाँ बच गए हैं। वो लोग खुद भी यही चाहते हैं कि उनको वहाँ से जो है कहीं और शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं बूढ़े वो बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो ये मैं LG इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगी, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिससे मेरी बात हुई उनसे भी मैं ये आग्रह करूँगी कि आप इस पर थोड़ा सा सोचें और उन लोगों को वहाँ से किसी सेफर प्लेस पर जो है रिहेबिलिटेट करें। सेकेंड वन इज इन्हेंसमेंट इन कंपनसेशन। जो कंपनसेशन उन लोगों को दिया गया है वो 5 लाख रुपए का है, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल सफिशेंट नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों के जो घर है वो टोटली ख़त्म हो चुके हैं। आधी जो फैमिलीज हैं उनकी फैमिली में सिर्फ बच्चे रह गए हैं, पेरेंट्स हैं ही नहीं। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगी कि अगर उनका जो कंपनसेशन है वो 5 से अगर 10 लाख कर दिया जाए, तो वैसे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 लाख मिलने पे उनकी जो ज़िंदगी है वो सुधर जाएगी या बेहतर हो जाएगी, बट फिर भी कुछ टाइम के लिए कम से कम उनको एक सिक्योरिटी है कि उनके पास जो है फाइनेंशियली वो थोड़े से साउंड रहेंगे। थर्ड वन इज जो ये कंपनसेशन इंजर्ड को दिया गया है जो कि 50,000 है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कुछ ऐसे मेजर इंजर्ड पेशेंट्स हैं जिनके जो दोनों लेग्स हैं वो फ्रैक्चर, किसी का रिब्स फ्रैक्चर है, तो वो तो मुझे नहीं लगता 6 महीने से पहले उठ पाएंगे। तो 50,000 में क्या आपको लगता है कि वो अपना बेहतर इलाज किसी बेहतर हॉस्पिटल में करा पाएंगे? क्योंकि जहाँ तक मुझे किश्तवाड़ हॉस्पिटल का लगता है, वहाँ पर तो सिटी स्कैन मशीन नहीं अवेलेबल है, तो उनका जो इलाज हो किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराने के लिए 50,000 जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है, जितने भी आला ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम्स जो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि जो ये कंपनसेशन है उसको भी बढ़ाया जाइए। उसके बाद जो हमारे IG साहब जो कि वहाँ आए थे, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन वो पहुँचे हैं अगले दिन, तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि वो हर एक फैमिली मेंबर में एक एक SPO जो है वो उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। ये कि बहुत अच्छी बात है कि अगर वो रिक्रूट करते हैं हर एक फैमिली के, जो कि फैमिली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई हैं उनके बच्चों को। बट मैं आप इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ सिर्फ लेडीज़ रह गई हैं और उनके साथ छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, तो मेरा मानना ये है कि वो जो लेडीज़ हैं वो SPO का कार्यभार शायद नहीं संभाल पाएँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर उनको किसी स्कूल में या किसी जैसे कि हमारे PSC सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे 4th क्लास का जॉब अगर उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो उनकी आने वाले उनके जो फ्यूचर है उनके बच्चों का वो थोड़ा सा सिक्योर हो सके। उसके बाद ये है कि जो कुछ बच्चे हैं जो ऑर्फन्स हो गए, जिनके पेरेंट्स जो है नहीं रहे, तो उनके लिए भी कोई स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट को अनाउंस करनी चाहिए, क्योंकि जो 2 फैमिलीज हैं जिनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, और वो लड़कियां हैं और 18+ हैं, बट ये है कि उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर रहे, उनको आगे पढ़ाई करनी है, उनको आगे शादियां करनी हैं, तो उस चीज़ के लिए भी उनको ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि उन लोगों का जो फ्यूचर है वो कैसे सिक्योर कर सके, कैसे वो उनका फ्यूचर जो है बचा सके। और ये जो आपदा हमारे दक्षिण एरिया में आई है, ये सिर्फ होंसड़ एरिया में नहीं, क्याड़ में भी आई है, बट भगवान का शुक्र है कि जो क्याड़ है वहाँ पे जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ है, बट बाकी
जो उनके खेत हैं, ब्रिजेस हैं, फुट ब्रिजेस हैं, मंदिर है, मस्जिद है और बहुत सारे घर जो कि बिल्कुल दरिया के साथ थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं टोटली। एग्रीकल्चर है जी, बिल्कुल। तो मैंने इसके बारे में डीसी साहब से भी बात की थी और उन्होंने टीम बना के वहाँ भेज भी दी है। डियाफो से भी मैंने बात की कि कम से कम एक टेम्परेरी फुट ब्रिज जो है उन लोगों को प्रोवाइड किया जाए जब तक एक उनके लिए ये परमानेंट सोल्यूशन बनता है कुछ ब्रिज का, क्योंकि जो लोग हैं उनको काफ़ी सफ़र करके जो है मेन पॉइंट तक आना पड़ता है। तो ये चीज़ें, और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुजारिश करूँगी कि इस टाइम पे ये जो मौसम है ये तो ऐसा ही रहता है, तो पहले से ही हम लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अलर्ट हो जाना चाहिए। प्रोटेक्शन बर्न जोन एरियाज में आपको लगता है कि ये डेंजर पॉइंट्स है, वहाँ पे प्रोटेक्शन बर्न जोन को देने चाहिए। और मैं ये भी मांग करूँगी कि हमारे इन एरियाज में जो है SDRF की टीम्स भी होनी चाहिए कि इनकेस अगर अचानक से कोई ये आपदा आती है तो कम से कम रेस्क्यू करने के लिए तो कोई तो हो। मतलब और अब परमानेंट सेटलमेंट चाहती है बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत सारे, ये सिर्फ एक होंजड़ की वजह, वहाँ नख नाला भी है, क्याड नाला है और भी बहुत सारे ऐसे नाले हैं जहाँ पे जो रेजिडेंशियल लोग रहते हैं। तो हमने देखा पाडर में भी, पाडर में भी है, मड़वा में तो भी इन, मतलब कि ये सिर्फ एक दक्षिण की बात नहीं है, ये पाडर में भी, बोंजवा में भी आया था। बट ये है कि वहाँ पे जो है जान से तो कोई नहीं गया, मुझे लगता है जम्मू प्रोविंस में ये पहला क्लाउड बर्स्ट ऐसा होगा जिसमें एट ए टाइम 26 लोगों की जान गई है, क्योंकि जो 19 लापता है मुझे नहीं लगता, जो मैं वहाँ ग्राउंड पे देख के आई हूँ, कि 19 में से कोई भी लाइव होगा। वो तो वही है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, अगर ऐसी कहावत कहीं पे होगी तो कोई बच सकता है, बट जो ग्राउंड रियलिटी मैं देख के आई हूँ 3 दिनों में, बचने का वहाँ कोई भी नामुमकिन सा है कि वहाँ कोई बचा होगा। तो मेरी बस गुजारिश यही रहेगी, खासकर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कहूंगी, मैंने पहले भी एक बार कहा है कि मोदी जी डेवलपमेंट इंडिया, डेवलप इंडिया की बात कर रहे हैं, बट हमारे इन एरियाज में आप आके देखिए कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट कहाँ है, वहाँ पे अभी तक रास्ते नहीं है चलने के लिए। ड्यूकॉम खुद आए हैं, IG आए हैं, उनको पता चल गया होगा कि सही में हम जो लोग हैं वो कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोगों ने पेशेंट्स को स्ट्रेचर पे पहले PSC सुइस पहुंचाया, फिर वहां से हम लोग जो ज्यादा पेशेंट जो इंजर्ड थे उनको हमने फिर से स्ट्रेचर्स पे लोगों को जमा करके उनको फिर से स्ट्रेचर्स पे उठा के हम उनको डंडूरू मेन पॉइंट जहाँ से गाड़ी हमें मिलती है वहां पहुंचे। तो ये सब जो ये प्रॉब्लम्स हम लोग दक्षिण के लोग फेस कर रहे हैं ये हम कब तक फेस करेंगे? मतलब 40 ईयर्स हो गए, मतलब मेरी एज भी इस वक्त 35 साल है और मैं हमेशा बचपन से अपनी माँ बाप की जुबान से यही सुनती आ रही हूँ कि बस अब दक्षिण रोड जाएगी, दक्षिण रोड जाएगी, पर वो रोड कभी नहीं पहुंची। सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन की है, आपने टावर्स की बात की है, क्या स्टेटस है उनका, क्योंकि मैं खुद गया वहां पर, हमने देखा कि ब्लॉक पे करोड़ों की बात की जा रही है खर्च करने की, तो ब्राइडल पाथ तक नहीं था, जिस पर हम चलते वो रोलिंग स्टोन्स थे। मैं कई बार स्लिप हुआ लेकिन फिर भी मैं वहां पहुंचा, आपने खुद भी मुझे देखा। तो वो रास्ता क्यों नहीं बन रहा है अभी भी, कम से कम चलने के लायक, तो जो इंसान जिस पे चल सके, जैसे आपने सुहीद से लेकर जो ऊपर चढ़ाई चढ़ती है वहां की बात करें, जो डंगडूरू इनिशियल पॉइंट है वहां की बात करें, तो इसमें 50-60 हजार 2 लाख रुपए का ब्लॉक में जो है वो रास्ता बन सकता है, क्यों सर, नहीं बन, बन तो सकता है, बट वही है कि कोई इन जगहों को जो है इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। नहीं, अब आप चेयरपर्सन तो है आप और वहाँ की DDC मेंबर भी है, तो आप तो ऐसा कह नहीं सकती। अब नहीं, आप कार्रवाई कब करेंगी? मैं अभी तो DDC चेयरपर्सन बने हुए मेरे को 6 महीने ही हो गए। नहीं, लेकिन अब आप एक अथॉरिटी है, आप क्यों गिला कर रही है? अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप कार्रवाई कब करने जा रही है? कार्रवाई सर मैंने बात मैं उसी टाइम से करती आ रही हूँ जैसे ही मैं चेयरपर्सन बनी। सबसे पहले मैंने दक्षिण में कम्युनिकेशन का जो मेन प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जहाँ से भी मेरे लिंक्स जुड़े, और मैंने जो एयरटेल कंपनी के हेड्स हैं उनको अपने फेवर में लेके उनसे बात करके मैंने 6 साइट्स जो हैं वो दक्षिण एरिया में जो है रिस्टोर कर किया, जिसमें एक हमारा डंगडूरू है, टंडर है, सोंदर है, लोहरना है, जनकपुर है और लोपारा है, और वो 15 अगस्त तक जो है वो जो टावर्स हैं वो मतलब इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। थोड़ा मौसम की खराबी की वजह से और होंजड़ में जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से लेबर्स जो है शिफ्ट हो गए, और मड़वा और वॉर्वन की बात करें तो मड़वा में तो मोस्टली काम खत्म हो चुके हैं और वॉर्वन का जो टावर है वो काम कर रहा है। तो मैं आपको ये कहूँ कि मैं जब से इस चेयर पर बैठी हूँ मेरा फोकस सिर्फ यही है कि ये जो दूर दराज के एरियाज हैं
वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें अभी तक नहीं प्रोवाइड की, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूँ। मैंने पार्डर के भी मोस्टली एरिया जहाँ पे टावर्स हैं पर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम वहाँ बहुत है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत है, नागसनी एरिया है, और मैंने जितने भी ये टेलीकम्युनिकेशन के हेड्स हैं उनसे बात की है और हर जगह पे जो ये प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। दूसरा, आप जो ब्राइडल पाथ्स की बात कर रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं मैं बिल्कुल इनके साथ इनके टच में हर चीज़ में इनको ब्रीफली बताती हूँ, बट वही है कि हमें कुर्सी पे बिठा दिया गया है एक प्रोटोकॉल के साथ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर यह है कि हम मैं मेरे पास एक ही हथियार है कि मैं एलजी साहब तक और जतिंदर साहब तक लिखती रहूँ और जब तक हमारे ये काम पूरे ना हो तब तक मेरे अभी पेन नहीं थम। जब आप जेपी के खिलाफ धरने पर बैठ सकती हो तो ब्राइडल पाथ पर क्यों नहीं बैठ सकती? बिल्कुल सर, अगर हमें लगेगा आसिफ जी कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं तो ब्राइडल पाथ के लिए, तो मैं अपने दक्षिण के रोड के लिए तो बिल्कुल मुझे बैठना है, क्योंकि ये जो रोड है ये कब से चलता आ रहा है यहाँ पे, इतनी स्लो मतलब स्लोली ये काम क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? जब आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है फिर क्यों नहीं आप जो स्पीड अप में काम कर रहे हैं? ये सब चीज़ें जो हैं देखने वाली हैं और मैं कुछ समय दे रही हूँ इनको, मैं देख रही हूँ, और अगर जब लगेगा कि अब बस तो आप फिर सड़कों पे बैठना ही पड़ेगा। तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि अगर एक डेढ़ महीने के बाद में आपके साथ दक्षिण आऊं तो रास्ता ये कम से कम चलने के लायक रास्ता? बिल्कुल चलने के लायक तो बनाना ही है, क्योंकि अब जो डिपार्टमेंट्स हैं जो खुद भी वहाँ पैदल चल के आए हैं, शायद उनको भी लगा होगा कि वो लोग जो इतना पैसा बोलते हैं हम लोग खर्च कर रहे हैं, बट किस जगह पे खर्च करें वो मुझे आज तक नहीं दिखा। और मैं अपील करना चाहूँगी अपने दक्षिण के लोगों से कि मैं यहाँ पर हूँ, आपके लिए हूँ, और मैं जितना जल्दी हो सके आपके जितने मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और होंजड़ के लोगों से बस मेरा इतना ही कहना है कि आप लोगों को, जो लोग अब बच गए हैं, जो लोग अब ये है कि सांसें तो बेचारों की चल रही है पर उनको रहने का, वो कहते हैं कि किसके लिए वो जिए, बट जीना है, इसी का नाम जिंदगी है, और उन लोगों के लिए मैं शाना बशाना उनके साथ हूँ, उनको जब भी कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत रहेगी उनके लिए मैं हमेशा आगे हूँ, और उनके जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं ये ऊपर तक लिख रही हूँ, और रिहैबिलिटेशन का जो उनका मसला है वो मैं बिल्कुल सॉल्व करा के ही रहूँगी। ओझा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि अगर रास्ते के लिए मुझे भी आपके साथ धरने में बैठना पड़ेगा तो मैं भी बैठूंगा। थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू वेरी मच।